हेल्थ नाउ इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्री राम जानकी नेत्रालय जुबली रोड एडी चौक गोरखपुर। मैं अरविंद श्रीवास्तव। जैसा कि अमेज नाउ का एक खास कार्यक्रम आप सभी को पता है, काफी पुराना है, हेल्थ नाउ। हम इसमें समय समय पर अलग अलग चिकित्सकों विशेषज्ञों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, समाज के में जो व्याप्त अस्वस्थता है, अस्वच्छता है, इस पर भी हम लोग बात करते रहते हैं। आज एक नए विषय के साथ हम गोरखपुर शहर के महानगर में स्थापित वैद्य डॉक्टर घनश्याम बैज जी से मुलाकात कराते हैं, आपको मिलवाते हैं। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आपसे रूबरू हो। नमस्कार जी। जैसा कि आप आयुर्वेद से चिकित्सक कहा जाता है वैद्य जी, तो चिकित्सा के क्षेत्र की अगर बात करें, समाज में बहुत सारे रोग हैं, रोगी हैं, फिर भी हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। विस्मृति की जो स्थिति है, आदमी को भूल जाने की जो बीमारी है, वो देखने में छोटी लगती है लेकिन है बड़ी भयावह। और रोगी यह जानते हुए भी कि हमें, मैं इस रोग से ग्रसित हूँ, उसमें आधे से ऐसे रोगी होते हैं जो अपनी शिकायत, अपनी शंका, बीमारी को लेकर डॉक्टर तक नहीं जाते हैं, नहीं जाना चाहते। हो सकता है कि आप हमारे बातों से सहमत हो। कितने ऐसे रोगी होते हैं जो आप तक पहुंच पाते हैं, जिन्हें भी स्मृति की शिकायत? जी, इसमें विस्मृति जिसमें आज कह जाएगी भूलने की व्यवस्था, आज का जो युवा पीढ़ी है वो हमें लगता है सबसे ज़्यादा शिकार है। वो इतनी तनाव में है, उसका रीज़न है कि मन जो होता है, ये अपस्मृति मन की एक समस्या है। अब मुझे मन के विषय में समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मन के दो व्यवस्था, दो मन होता है। एक मन, वो मन जो सार्वभौमिक मन और एक सांसारिक मन। सार्वभौमिक मन, वो मन जो हमें ये याद दिलाता है, ये वो अनंत होता है, वो सार्वभौम होता है, वो बिल्कुल पारदर्शी होता है, उसके गुण सत्व होते हैं। जो सांसारिक मन होता है, जिस जो हमें इंद्रियों से मिलता है, हमें सुख दुख, कष्ट, लोभ, मोह, ये सब सांसारिक मन, इससे हमें दुख और सुख सांसारिक मन से मिलता है। तो इन दोनों, जो सार्वभौमिक मन और सांसारिक मन का जब नहीं समझ पाता है, सांसारिक मन सार्वभौमिक मन को नहीं समझ पाता है, वो न समझने के कारण ही मुझे समस्या पैदा होती है। बात आती है, हम लोग मूल मुद्दे चलते हैं अपस्मृति की। स्मृति, अपस्मृति की मूल वजह है जो अपने अपने आत्मस्वरूप का दर्शन न करना। आत्मस्वरूप मतलब ये होता है कि मुझे अपनी विषय की जानकारी, यानी अपने मन को अपने ऊपर न लागू करके हम झूठ मूठ में नरगल बातों पे फंसे पड़े हैं, ये स्मृति की मूल वजह है। पहली, दूसरी वजह है, आजकल जीवा बढ़ गया है, मोबाइल एक मुख्य वजह है। आज की वर्तमान समय में मोबाइल एक मुख्य वजह है, जो हम इतना मोबाइल में खो गए हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी मोबाइल में दिन रात बैठी रह रही है, मोबाइल को देख रही है, तमाम चीज़ों को लोड कर रही है। और मोबाइल देखते देखते चूँकि हमको अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारा सार्वभौमिक मन है, उस मन को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो थक जाता है। अच्छा लगता है, उससे घृणा पैदा होती है, जिससे हमारी दोनों जो मन होते हैं वो दोनों आपस में विरुद्ध हो जाते हैं, जिससे हमें एक अलग तरह की समस्याएं कंट्री बन जाती है। तो हमने पहले भी पूछने की कोशिश की आपसे कि ऐसे कितने रोगी होते होंगे जो आपसे प्रतिदिन मिलते होंगे, या इनकी क्या संख्या है? अच्छा, आजकल इसके बाद भी, इसके साथ साथ ये भी पक्ष जुड़ा हुआ है सवाल के साथ कि जैसे हमें लगता है या लोगों को लगता है, ये बातचीत में आता है कि बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जो वो डॉक्टर तक नहीं जाना चाहते। अच्छी बात। ये अपस्मृति की शिकायत पहले वृद्धावस्था में होता था, लेकिन आज वो समस्या मुझे लगता है कि सभी लोगों को, जो लोग शहर में निवास करते हैं, अब तो गांव में भी ये समस्या आ गई है कि जो लोगों को मोबाइल, टीवी या अन्य चीज़ों को देख करके ये समस्या लोगों को आ गई है। जो भूलने की चीज़ हमारी वृद्धावस्था में होती थी, उसका रीज़न होता है कि हमारे शरीर में वात की वृद्धि हो जाए। वात की मतलब हमारे शरीर में कमजोर होनी शुरू हो जाए, क्षय होना शुरू हो जाए, जिससे हमारी स्मृति भी लगती है क्षय होने। अब वो चीज़ हमारे युवा वर्ग में भी आ गई है,
और ये दुखद बात है, यही दुखद बात है कि युवा वर्ग इसकी शिकार ना हो, क्योंकि अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी बहुत जल्द ही लगता है कि वो वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं लोग बहुत तेजी से। और यही मूल वजह है कि लोग ना जो हार्ट अटैक की समस्या बढ़ी है, इसके रीजन भी हम नहीं है, है ना, हम इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से समस्या आ जा रही है। सर, आपने समस्या की जो जड़ है वो आपने बताया है, बताने की कोशिश किया है, अब इसका निदान क्या है? बिल्कुल अच्छी बात, इसका निदान सिर्फ ये है कि हम ऐसी चीज़ें लें या ऐसा जीवन यापन करें इसमें आहार विहार पद्धति, यानी आहार हमारा ऐसा हो जो हमारे शरीर को वीक ना होने दे, कमज़ोर ना होने दे, विहार ऐसा हो, विहार मतलब हम कम से कम सूर्योदय के पहले उठ जाएं, और योगा मेडिटेशन ये बहुत ज़रूरी है सभी लोगों को, इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, योगा मेडिटेशन, वो कोई रास्ते नहीं है। वृद्धावस्था चूँकि एक स्वाभाविक होती है कि उम्र लगती है छः होने बाद वृद्धि होती है, तो वो चीज़ हम जब मेडिसिन लेते हैं जैसे सुगंधा हो गई या जो भी ब्राह्मी हो गई है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब हमें मनस्थिति को मजबूत बनाती है, जिससे कुछ स्मृति ठीक रहती है, लेकिन इसकी भी कमी हो जा रही है, लोग नहीं ले पा रहे हैं जी। यानी सब लेने के लिए है कि हम वापस लौट सकते हैं अपनी मूल स्मृति में, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। और ऐसी सब्जियां होती हैं, हमें लगता है कि के बाद की सब्जी है सबको खानी चाहिए, स्मृति बहुत है मेंटेन रखती है। अच्छा अच्छा, और कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ जैसे आपने केवाच बताया, और कुछ इसमें फलों में सेब, अब से बुद्धिवर्धक चीज़ें जो भी आती हैं फलों का सेवन करें, वो ऐसे में लगता है कि मेडिटेशन सबसे लिए सब श्रेष्ठ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर घनश्याम वैद जी, आपने आपने सुना जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने कि मूल स्मृति में लौटा जा सकता है, बशर्ते हम अपनी दिनचर्या को ठीक कर लें। और सबसे अहम बात जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आत्मस्वरूप का विस्मरण कर देना ही ये मूल समस्या है, कारण है, और फिर इसके बाद ही विस्मृति, तनाव, हार्ट अटैक जैसी तमाम विसंगतियाँ हैं। तो हम सब इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं जैसा कि डॉक्टर ने बताया, तो इन सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और यदि हम ये भी चाहेंगे अपने दर्शकों से कि आपको ये बातें जो डॉक्टर घनश्याम वैद जी ने बताई ये आपको कहाँ तक अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स पर लाइक करके अपनी बातों को बता सकते हैं। कुछ जानना हो तो भी आप इसी पर निर्धारित समय है और उस पर आप डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। हेल्थ नाउ इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड AD चौक, गोरखपुर।